शिक्षा देते हैं तो बोलते हैं कि बिना पैसे के कोई नहीं करता, तो पैसे क्यों लेते हैं? अगर सबको बताना है तो ऐसे फ्री में बताएं। फ्री में तो बता रहे हैं, अभी हम आपसे बता रहे हैं, बताओ कितना पैसा दिया आपने हमें? नींद लिए, लेकिन जैसे कथा कथा भी टीवी पर आप लोग सुनते हैं तो टीवी खोल नहीं, बस फ्री में कथा मिलती है, बताइए। नहीं, जैसे कोई भागवत कथा कराए तो? भाई भागवत कथा आपको सुनना है तो सुन लीजिए, टीवी पर इसलिए फ्री, यूट्यूब पर फ्री में मिल रहा है, टीवी पर फ्री पर वही कथा मिल रही है जो यहाँ पर मिल रही है, इसलिए यूट्यूब पर सुन लीजिए, टीवी पर सुन लीजिए, क्या फ्री में सारी सेवाएं हैं जी। मैं भी यही बोलता हूँ, लेकिन जब बताना है इतना अच्छा बताते हैं, जैसे सब ऊपर ही जाएंगे, मतलब कोई लेके नहीं जाएगा, तो पैसे क्यों लेते? भाई लेके तो कोई नहीं जाएगा, आपको भी ज्ञान है ना, लेके कोई नहीं जाएगा जी, जी, जी। फिर आप जहाँ काम करते हैं तो काम की पगार लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं जी, आपको भी तो ये ज्ञान है, लेके कुछ नहीं जाना, फिर पगार क्यों लेते हैं? भाई सबकी अपनी जिंदगानी है, जिसमें हम व्यवहार जगत में, अच्छा देखो यहाँ माताएं रहती हैं, अन्न क्षेत्र चलता है, तो जहाँ इतने लोग भोजन प्रसादी कर रहे हैं वहाँ अर्थ की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं? तो जो आप लोग देते हैं उसी से सेवाएं होती हैं, तो भाई व्यक्ति लेकर कुछ नहीं जाता, पर व्यवहार जगत में ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, तो वो ज़रूरी जो हैं व्यवहार जगत में उसके लिए जो उचित है वो लिया जाता है। भाई आप हॉस्पिटल जाएंगे तो डॉक्टर आपके यहाँ पकड़ने का 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये क्षमता के अनुसार चार्ज करता है ना? क्या डॉक्टर सब लेके चला जाएगा? नहीं, फिर भी व्यवहार है, व्यवहार जगत में हमें धन कोई लेके नहीं जाता, धन कमाना बुरा नहीं है मेरे भाई जी, सबको कमाना चाहिए, यदि धन होगा तो धर्म भी होगा, क्योंकि आप जब धनवान होंगे तो थोड़ा सा दान करेंगे, उस धन से धर्म होगा, यदि धन नहीं होगा आपके पास तो आप धर्म नहीं करेंगे, वंचित रह जाएंगे धर्म से, इसलिए धन होना ज़रूरी है। हाँ, उस धन में मोह ना हो। अब बताइए, यहाँ गौरी गोपाल जी की रसोई में प्रसाद चलता है सवेरे से शाम तक जी, आपने प्रसाद पाए जी? आपने चावल का प्रसाद लिया जी? चावल कैसा था? मस्त, अच्छा था। अच्छा था जी? कितना अच्छा था? बहुत बहुत जी। हमारे देश में जो सबसे उच्च कोटि का चावल है जी जी, उस चावल का प्रयोग यहाँ अन्य क्षेत्र में सबके लिए होता है, चावल तो 40 रुपये किलो का भी होता है, लेकिन आप मेरे को ये बताने की ज़रूरत नहीं हो, बताना नहीं चाहिए, 40 रुपये किलो का भी चावल बाजार में मिलता है, पर यहाँ जो चावल आप खाते हैं वह 85 रुपये किलो का चावल जी, सही है, बासमती का है, सही है ना? तो ये क्या है? सेवा। हमें सेवा, यदि हमें पैसों से लोभ होता तो हम 40 रुपये का चावल फ्री में खवाते आपको, आप थोड़ी बोलते कि आपने चावल ऐसा खवाया, ये हमारी श्रद्धा है कि आप हमारे अतिथि भगवान के रूप में आए हैं तो हम खवाएं। तो जब धन होता है ना तो धन को धर्म से जोड़ना चाहिए, जो कि ये दास करता है। नहीं गुरु जी, सबको मैं यही बताता हूँ कि ऐसी ऐसी है जो आप बोले, लेकिन वो मानते नहीं है। सब नहीं मानेंगे, सब तब तक नहीं मानेंगे जब तक वह अपनी आंखों से देखेंगे नहीं, इसलिए उनको लाओ। लोग कहते हैं पैसे क्यों लेते हैं? भाई इसलिए लेते हैं कि ज़रूरत है, सेवा पैसे से होती है, कुछ सेवाएं, अब रोटी खानी है तो पैसे चाहिए, नमक लाना है तो पैसे से नमक आएगा, बिना पैसे के नमक कितने दिन देगा आदमी फ्री में, क्यों जी? घी तेल कब तक फ्री में देगा आदमी? इसलिए जैसे आप हैं, अपना परिवार, आपका परिवार है, आपकी पत्नी है, पुत्र है, परिवार है, उसी तरह हम भी गृहस्थ हैं, हम गृहस्थ में रहकर ये सेवाएं कर रहे हैं, आप यहाँ रोटी खाते हैं, अब देखो ये सब चीज़ें मैं कभी बताता नहीं हूँ पर आपको बता रहा हूँ जी, आप यहाँ रोटी खाते हैं, रोटी में जो घी लग कर आता है, बाज़ार में घी मिलता है साहब 500 रुपये किलो का, 500 रुपये किलो का मिलता है जी, देसी घी जी मिलता है, परंतु मैं वो 500 रुपये किलो का घी नहीं खरीदता, जो घी मैं स्वयं खाता हूँ पर्सनल, जो गांव गांव में घी माताएं बहनें बनाकर देती हैं वो घी इकट्ठा करवाता हूँ, और वो घी अलग से 500 रुपये तो बाज़ार में मिलता है, वो मुझे महंगा पड़ता है, फिर भी मैं महंगा घी लाकर उस रोटी में चुपड़ के आपको खिलाता हूँ कि आपके रूप में भगवान ही प्रसाद पाने आए हैं। पैसा यदि है तो ये दास उसका सदुपयोग करता है। अच्छे आप घी यहाँ का उस रोटी को देखना, आपका जो घी है सामान्य घी से अलग घी है। अब ये देखो कितनी माइनर बातें हैं, ये आप लोग इतना गौर नहीं करें, आप यहाँ की दाल खाकर देखना, दाल हम पतली भी बना सकते हैं पर गाढ़ी दाल है, आप सब खा के देखिएगा, जो घर में आप जितनी गाढ़ी खाते हैं उतनी गाढ़ी यहाँ है, हम पानी भी तो पिला सकते हैं आपको पतली दाल, आप थोड़ी कहेंगे कि महाराज जी आपने पतली दाल दी, नहीं, हमारा भाव है सेवा का, हम पैसे हर जगह से बचा सकते थे लेकिन वही तो है, हम बांध के थोड़ी ले जाएंगे, इसलिए बचा नहीं रहे हैं।